आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 33/11 के बीच सब स्टेशन के लेआउट। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले कौन कौन से इक्विपमेंट कहाँ पे लगते हैं और उनके बीच में कितने गैप होते हैं और हमारे कौन सा कंडक्टर यूज़ होते हैं और जो है उसके बीच से जो है ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है, ये सब सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो हमारा PSS जो दिख रहा है, सब स्टेशन जो दिख रहा है, ये हमारा कैसा सब स्टेशन है। ये हमारा आउटडोर इंडोर सब स्टेशन है। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसे बोलते हैं आउटडोर इंडोर सब स्टेशन, उसके बाद जो है हम लोग लेआउट डायग्राम देखने वाले हैं। 33/11 के बी सब स्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पावर ट्रांसफार्मर दिख रही है इसका क्या काम होता है कि ये क्या करेगा 33 kV को जो है 11 kV में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए इसका नाम हो गया ये इस PSS का 33/11 kV सब स्टेशन। अब जो मैंने कहा था कि ये जो हमारा सब स्टेशन है ये हमारा कैसा है, आउटडोर इंडोर सब स्टेशन है। आउटडोर इंडोर कहने का मतलब क्या होता है, आउटडोर का कहने का मतलब क्या हो गया, जितनी भी हमारी इक्विपमेंट रखी हुई है 33 kV वाली वो हमारी क्या होगी, बाहर में रखी होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, आउटडोर कहेंगे। और इंडोर कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारी पावर ट्रांसफार्मर जो मुझे 11 kV कन्वर्ट करके दे रही है और उसका जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होंगे ना, वो जो आपका जो कंट्रोल रूम दिख रहा है ना, इसी के अंदर सारे इक्विपमेंट जितने होंगे, जितने CT PT ये रिले वगैरह होंगे ना, वो सारे जो होंगे इस कंट्रोल रूम के अंदर होंगे। तो इसलिए इसे बोलेंगे इंडोर। तो आपको समझ में आ गया होगा आउटडोर इंडोर सब स्टेशन किसे बोलते हैं, जितने भी 33 kV के इक्विपमेंट वो हमारे आउटडोर में होंगे और जितने भी 11 kV की इक्विपमेंट होगी वो हमारी क्या होगी, कंट्रोल रूम के अंदर होगी। ये जो है हमारा 33/11 kV सब स्टेशन का ये क्या है, हमारा लेआउट डायग्राम है। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे ये जो है हमारा ये किसका लेआउट है, ये आपका आउटडोर का लेआउट है। आउटडोर कहने का मतलब जितने भी बाहर में इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जो उतने भी 33 kV के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, वो जो है यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो इसकी लेआउट हम लोग समझेंगे। से जो स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे, ये क्या है हमारी इनकमिंग टावर है। और इस टावर में जो है आपको दिख सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारे क्या है 33 kV की एले रखी हुई है। 3 एले यहाँ पर सबसे टॉप में होगा और जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 डिस्क इंसुलेटर है, या आपको कहीं कहीं पर 4 डिस्क इंसुलेटर देखने को मिलेगा। मतलब 33 kV जो है यहाँ से इनकमिंग आ रही है और ये हमारी क्या है इनकमिंग टावर है। और इसके ऊपर क्या लगी रहती है हमारी 3 एले लगी रहती है। और उसके जस्ट नीचे देखेंगे ये आपका क्या है, ये हमारी 33 kV की क्या है हमारी आइसोलेटर लगी हुई है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यह आपकी क्या है 33 kV इनकमिंग आ रही है और ये हमारे टॉप में क्या लगे हैं 3 एले लगे हैं और इसके जो है जस्ट नीचे हमारा यहाँ पर आइसोलेटर लगे हुए हैं। अगर हम लोग जो है हाइट की बात करें कि हमारी FGL मतलब फिनिश ग्राउंड लेवल से जो है ये जो हमारी इनकमिंग कंडक्टर आ रही है इसके बीच में अगर दूरी पूछा जाए तो ये हमारा कितना होगा 6.5 मीटर, मतलब 6500 mm जो होगी इसकी जो हाइट होगी। और ये ऊपर में आपको टॉप से लेके आपका इस कंडक्टर तक हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर, मतलब 2000 mm जो है हमारा इसका हाइट हो जाएगा। लोगों ने क्या देखा कि हमारी सबसे स्टार्टिंग में हमारी इनकमिंग टावर होगी और उसके साथ साथ हमारे एले लगे होंगे और हमारा आइसोलेटर होगा। उसके बाद जो हमारा कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है, उसके बाद जो है हमारा 33 kV की CT लगी रहती है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर लगी रहती है। अगर बात करें हम लोग इस टावर और जो है आपकी CT करंट ट्रांसफार्मर के बीच में कितना गैप होता है, तो मतलब 2000 mm का गैप होता है। और बात करें ये जो हमारी ऊपर में कंडक्टर जा रही है उसको और हमारे ग्राउंड के बीच में कितना क्लियरेंस होना चाहिए, हमारा 3700 mm होना चाहिए। CT के बाद हमारा क्या होता है 33 kV की हमारी VCV लगी होती है, मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगी रहती है। इसमें भी अगर बात किया जाए कि CT और VCV के बीच में गैप कितना होता है, तो ये हमारा होता है 2000 mm होता है। उसके बाद जो है आपके जस्ट 33 kV VCV के बाद जो हमारा फिर से जो है 33 kV की जो हमारी आइसोलेटर्स लगी होती है। अब बात करें कि VCV और हमारे आइसोलेटर के बीच में कितना गैप होगा, तो यहाँ पर जो है आपका 2500 mm जो है दोनों के बीच में गैप होगा। और जो है हमारा आइसोलेटर के बाद जस्ट आपको जो टावर्स दिख रहे हैं ये हमारा क्या है 33 kV की बस टावर है। तो
ये हमारी दोनों स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये हमारी क्या है 33 KV की बस टावर है। अगर हम बात करें कि हमारी आइसोलेटर और ये हमारी बस टावर के स्ट्रक्चर से कितने mm की दूरी पे होती है तो ये हमारी 800 mm की दूरी पे होती है। और बात करें ये हमारी जो 33 KV की बस टावर है इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में कितना गैप होगा, ये हमारा 5500 mm के बीच में गैप होगा, ठीक है। और ये बात करें ये हमारा स्ट्रक्चर देख रहा है ये हमारा क्या है 33 KV की हमारी PT है, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। बस टावर के स्ट्रक्चर के बाद जस्ट फिर आपको क्या मिलेगा 33 KV की आइसोलेटर्स मिलेगी। तो बात करें कि बस टावर और आइसोलेटर के बीच में आपको जो कितना गैप मिलेगा 800 mm का जो है गैप मिलेगा। और जो है इस आइसोलेटर के बाद जो आपके कौन से इक्विपमेंट मिलेंगे फिर से आपको जो है 33 KV की VCV मिलेगी। और आइसोलेटर और VCV के बीच में गैप कितने का होगा 2500 mm का होगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास VCV आ गई तो VCV के बाद उसके बाद क्या मिलेगी आपको 33 KV की आपको CT मिलेगी, करंट ट्रांसफार्मर मिलेगी। और इन दोनों के बीच में गैप कितने का होगा 2000 mm का होगा। और जो है इस CT के बाद जस्ट इसके बाद क्या मिलेगा आपको 33 KV की जो है आपको LA मिलेगा, लाइटनिंग अरेस्टर मिलेगा। वो आपको तीन लग रहेंगे तीनों फेस के लिए, फिर से यहाँ पर एक शुरू में लगा था हमारा LA और यहाँ पर लग रहा है तीन LA। तो बात करें CT और LA के बीच में कितने गैप होगा, ये आपका 2000 mm का होगा। और जो है आपको LA के बाद क्या मिलेगा आपको PTR मिलेगा, मतलब पावर ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगा। और बात करें LA और PTR के बीच में गैप तो ये आपका कितना होगा 3500 mm जो है देखने को मिलेगा। जो जितना मैंने बताया ये क्या था, ये आपकी आउटडोर की लेआउट थी। तो बात करें उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी 11 KV जो कन्वर्ट होती है ना वो जो है ट्रेंच केबल के थ्रू, मतलब अंडरग्राउंड जो है केबलिंग के थ्रू, ये आपको केबल दिख रहा है ये केबल के थ्रू कहाँ चली जाती है, ये कंट्रोल रूम के अंदर जो है चली जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।